इंद्रहार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे इंद्र के आहार के रूप में देखा जाता है। इंद्रहार बघेलखंड के खास व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, हैदराबाद की बिरयानी, पंजाब की मक्के दी रोटी और सरसों दा साग है, वैसे ही बघेलखंड के लिए है इंद्रहार। भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करने वाला देश है। ये बात भी है कि भारत दालों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी करता है। दृष्टि आईएएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दालों में वैश्विक उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी है। उपभोक्ता वैश्विक खपत में 27% और आयात करने में 14%। भारत में दाल उत्पादन के शीर्ष 5 राज्यों में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आप अगर इस क्षेत्र के हैं तो शायद दाल पर इस जानकारी का अर्थ भी समझ गए होंगे और इसे इंद्रहार से जोड़ भी लिया होगा। जी हाँ, विंध्य का ये इंद्रहार कई तरह की दालों के मिश्रण से बनाया जाने वाला एक व्यंजन है, जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। वहीं इसकी ग्रेवी के साथ सब्जी भी बनती है। इंद्रहार बघेलखंड का सबसे मशहूर व्यंजन माना जाता है। रीवा के राजा पुष्पराज सिंह के मुताबिक 80% परंपरागत बघेली व्यंजनों में दाल का इस्तेमाल होता है। दाल प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसलिए बघेलखंड का ये व्यंजन स्वाद, सेहत और विरासत का एक सुंदर संगम लिए जब थाली में परोसा जाता है, लोगों का दिल जीत लेता है।